हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल उसियन टेक पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे आप एक पीडीएफ फाइल में किसी भी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। बस आपके पास उस वीडियो की लिंक होनी चाहिए जिस वीडियो को आप पीडीएफ में प्ले करना चाहते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। इस एप्लीकेशन का नाम है जोडो और इस एप्लीकेशन की लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ से जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और दूसरे नंबर पर लिखा है पीडीएफ फ्रॉम इमेज, इस पर क्लिक करना है। इधर से आपको एक इमेज सेलेक्ट करनी है गैलरी में से। चलिए एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने एक पिक्चर सिलेक्ट कर ली है। अब हमें उस वीडियो की लिंक कॉपी करनी है जिस वीडियो को हम प्ले करना चाहते हैं। चलिए वीडियो की लिंक कॉपी कर लेते हैं। जैसा कि हम अपने चैनल पर ही आ गए हैं और हम चाहते हैं कि उस इमेज पर टैप करने के बाद हमारी ये वाली वीडियो प्ले हो जाए, तो हम यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके शेयर में जाके इस वीडियो की लिंक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस ऐप में आते हैं वापस और इस पिक्चर पर लॉन्ग प्रेस करते हैं और थ्री डॉट पर क्लिक करके पहले नंबर पर लिखा है लिंक, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद पिक्चर के ऊपर स्वाइप अप करते हैं और पहले पे लिखा है लिंक टू अ वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो की लिंक को पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं इस पिक्चर पर रेड रेड सा रेक्टेंगल आ गया है। इस रेक्टेंगल के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है आपको और इसको पूरी इमेज पर सेट कर देना है। आपको इसे अच्छे से सेट करना है, पूरी इमेज पर आ जाइए। आने के बाद थ्री डॉट पर जाना है। थ्री डॉट पर जाने के बाद सेव अ कॉपी पर जाना है। उसके बाद आइडेंटिकल कॉपी पर जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ से एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिस फोल्डर में आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं। चलिए हम डॉक्यूमेंट्स में इधर जाके सेलेक्ट करके इसको ओके कर देते हैं। डॉक्यूमेंट सेव हो गया। चलिए आपको अब दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये है वो पीडीएफ, ये सेव हो गई है। अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपको YouTube पर ले जाइए हमारी उसी वीडियो पर जिस वीडियो की लिंक हमने कॉपी की थी, और वो वीडियो प्ले हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप किसी भी पीडीएफ में वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।